અસુવા અમારા જ્ઞાન પ્રવૃત્તિ માર્ગ હે તો દેવી દેવતા બનને કા જ્ઞાન હે દેવી દેવતા પ્રવૃત્તિ માર્ગ કે હોતે હે યા નિવૃત્તિ માર્ગ કે હોતે હે અમારા ધર્મ પ્રવૃત્તિ માર્ગ કા હે ના દેવી દેવતા સનાતન ધર્મ કહા જાતા હે દેવી કે સાથે કોણ જોડા હુઆ હે દેવતા તો ઇસમેં લક્ષ્મી કી બાત સમજ મેં આઈ જાતી હે લક્ષ્મી ક્યા હે મનુષ્ય સે દેવતા બનને કા इससे दुनिया के जो भी मनुष्य हैं, उनकी सेवा की प्रवृत्ति अपवित्र बन गई या तो प्रवृत्ति है ही नहीं सन्यासी बन गए और सन्यासी सन्यासी ही बनाते हैं खुद घर बार छोड़ते हैं तो अपने केलों को भी यही सिखाते हैं हमारा ज्ञान भी प्रवृत्ति मार्ग का है लक्ष्य भी प्रवृत्ति मार्ग का है वरना तो लक्ष्मी नारायण है ही प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्मी नारायण जैसा बनना नहीं है क्या बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है ना कि सिंगल लेडी बनना है, है? नारी से सिंगल देवी बनना है या प्रवृत्ति मार्ग का देवी देवता बनना है तो समझ में नहीं आता है क्यों राधा कृष्ण जो सत्युग में बच्चे पैदा होंगे उनकी समझ में ये आवेगा कि राधा कृष्ण का जन्म कैसे होगा और किससे होगा है? उनकी समझ में नहीं आवेगा किसकी समझ में आवेगा है? जिन्होंने राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा किए होंगे उनकी समझ में जल्दी आवेगा तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता निवृत्ति मार्ग के बनने वाले हो क्या है? अरे अभी प्रवृत्ति बनाई कि नहीं बनाई अभी निवृत्ति में है या प्रवृत्ति में है है प्रवृत्ति में तो जो प्रवृत्ति में है ही अभी उनको प्रवृत्ति की बात समझ में आ जानी चाहिए पूछना क्या चाहते हो तो बताओ राधा कृष्ण का जन्म जो है हाँ लक्ष्मी नारायण से होगा जो नर से नारायण बनते हैं नारी से लक्ष्मी बनते हैं उन्हीं से जन्म होगा किससे जन्म होगा नर नारायण से राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंस का जन्म होगा एक ही सभा ऐसी है जिसमें मुंह खोल के उठा जा सकता है मुंह बंद नहीं किया जाएगा Thank you.
वाइब्रेशन के प्यार से बच्चों का जन्म होता है। राधा कृष्ण जैसे पहले पत्ते जो जन्म लेंगे वो वाइब्रेशन के प्यार से जन्म लेंगे। जैसे पपीते का मिसाल दिया हुआ है, पपीते का वृक्ष है, हर प्रकार का वृक्ष है, नर भी होता है मादा भी होता है। तो मीलों दूर मादा और नर दूर होने के बावजूद भी वो अपना पराग खींच लेते हैं और पपीते में फल आ जाता है। वो तो जड़ है और मनुष्य तो चैतन्य है। ज्यादा वाइब्रेशन सीखा किसका होता है? मनुष्य आत्मा का वाइब्रेशन सारी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अगर एकाग्रता की शक्ति हो तो यहाँ बैठे बैठे लंदन वासी को संदेश दिया जा सकता है, बुद्धि में टच किया जा सकता है। ये लाया हुआ है शंकर की प्रेरणा से बिना, वो कमजोर आत्माएं जो एटम बम बनाती है, कम जन्म लेने वाली आत्माएं, उनमें इतनी ताकत नहीं है। उनका विस्फोट कर सके, क्योंकि जानते हैं इसी दुनिया में हम भी बैठे हुए हैं, हमारा भी बिना सूझा दे स्वार्थी है। तो उनसे विनाश कौन कराएगा? उनकी बुद्धि को प्रेरित कौन कराएगा? अकेला शंकर कराएगा कि और भी कोई साथ में है? वो है स्थूल एटम बम और ये है सूक्ष्म ज्ञान के बम। इतने बड़े बम्बों का विस्फोट हो सकता है प्रेरणा की ताकत से। क्या बच्चों की पैदाइश नहीं हो सकती? बेगमपुर बेगमपुर है, बेगमपुर का बेगमपुर, इसको कोई गम नहीं। ऐसों का पुर, ऐसों का नगर, ने तीन बेगमपुर बताए, सुंदर आश्रम बेगमपुर, संगमयी बेगमपुर और स्वर्ग का बेगमपुर, सुख धाम, शांति धाम और ये है मौजों का युग। क्या मौज ही मौज, कोई दुख का नाम निशान न हो, तो बेगमपुर हुआ ना। ना क्या चाहते पूछना चाहते या बताना चाहते? आत्मा जो होते हैं एडवांस में भी आते नहीं, बेसिक में भी आते नहीं। धर्म स्थापक जो परम धाम से आते हैं द्वापर कलयुग में, वो एडवांस ज्ञान भी नहीं लेता, बेसिक ज्ञान भी नहीं लेता, ऐसा है या ज्ञान लेते हैं? सारी दुनिया को एडवांस नॉलेज लेनी पड़ेगी। एडवांस नॉलेज न ले तो बाप का परिचय मिल ही नहीं सकता और बाप का परिचय नहीं मिलेगा तो एक जन्म की जीवन मुक्ति भी उनको मिल नहीं सकेगी।
परिचय मिलेंगी ज्ञान ग्रहण करने का टाइम नहीं रहेगा ऐसा क्या मिलेगा माना ज्ञान ग्रहण करेंगे तभी तो परिचय होगा ज्ञान लेंगे नहीं तो परिचय कैसे होगा आधार मूर्तों को भी परिचय होगा पुरुषार्थ तो वो अपने ही तरीके से करेंगे जितना समझेंगे उतना ही पुरुषार्थ करेंगे अंत समय में इतना गहराई से समझने का मौका ही नहीं रहता है जितना समझा है उतना ही समझाते उन्होंने इतना नहीं समझा कि देवताएं साकार में होते हैं देवताओं में देवात्माओं में परमात्मा प्रवेश करके नहीं शक्ति रखता है इतना ज्ञान समझ में नहीं आता बुनियाद बनने के लिए कौन सा आधार लेना बुनियाद बनने के लिए कौन सा आधार लेना पड़ता है बुनियाद बनने के लिए धर्मी का आधार लेना पड़ता है अरे बुनियाद डाली जाएगी धर्मी के अंदर ही डाली जाएगी कहाँ डाली जाएगी मतलब मकान बनने के लिए दो आधार लेना पड़ेगा दो नहीं आधार तो एक ही है धरणी का भी आधार कौन है धरणी कैसे टिकती है सारी दुनिया काय के ऊपर टिकी हुई है धरणी हवा में टिकी सागर ज्यादा है कि धरणी ज्यादा है सागर का प्रमाण ज्यादा है सागर में धरणी टिकी हुई है ये ज्ञान सागर है वो चैतन्य धरणी है जो राम कृष्ण देवताएं हैं वो आधार लेते हैं धरणी का और जो जानवरियत के भगवान बन करके बैठते हैं जानवर के रूप में वो आधार लेते हैं पानी का रामकृष्ण आधार लेते हैं धरणी का ये दो ही भगवान हैं जो धरणी का आधार लेते हैं और पूरे 14 जन्म में दो आत्मा आपस में प्रवृत्ति मार्ग नहीं रह सकते पहले एक बात बताओ संगठन क्लास में बराबर आ रहे हो क्या कहता है इनका रजिस्टर है क्या नाम है रघुनाथ भाई संगठन क्लास में लगातार आ रहे हैं मासिक संगठन में एक बार आ रहे हैं यहाँ तो परमिशन ही नहीं है जो लोग रेगुलर क्लास नहीं करते उनको आने की परमिशन नहीं बाबा चाहते हैं तो बाहर चाहते क्या वो तो डायरेक्शन दिया हुआ है अलग से बैठो अलग से अपने प्रश्नों का समाधान करो अगर जरूरत है तो दोबारा भर्ती करो कोर्स करो अच्छा और सारी सभा को डिस्टर्ब नहीं करना इसमें किसी का नाम ही नहीं लिखा है प्रश्न करने वाले में दादे के किसी को है पेपर में लिख करके दिया है तो गुप्त प्रश्न किया है गुप्त में जवाब दे देंगे सभा में प्रश्न किया हो तो सभा में जवाब दे देंगे हाँ जी और बारी बारी का है
ये भाई भाई की स्टेज संगम युग की स्टेज है, आत्मा आत्मा भाई भाई ये बताएं जो है वो आत्म स्वरूप को याद तो करते हैं, लेकिन इतना भान रहता है स्त्री पुरुष कौन है, बाकी ऐसे नहीं स्त्री पुरुष का भान ही नहीं रहता। अगर बिल्कुल ही देह भान नहीं रहेगा तो आत्मा की कला कम होगी। देह भान होगा तो आत्मा की कला कम होगी, देह भान नहीं होगा तो आत्मा की कला कम नहीं होगी। सोलह कला संपूर्ण से पौने सोलह कला भी बनते हैं, इसका मतलब देह का सुख लिया, और देह का सुख लेते हैं तो नीचे गिरते हैं। शेष से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, शेष इंद्रियों का सुख लिया, दृष्टि के प्यार से संतान पैदा हुई, तो आंखें भी तो देह का हिस्सा है ना, इसलिए थोड़ा सा पतन होता जरूर है। ये देहभान धीरे धीरे बढ़ता जाता है, द्वापर युग में बाहुपात तक आ जाता है। सिर्फ दृष्टि से संतुष्टि नहीं होती, ये दिखाया गया है विराट रूप का जो विष्णु का चित्र है, भक्ति मार्ग में भी देवताएं रूप समान, क्षत्रिय बाहु समान, जंगाओं में वैश्य और पांव में शूद्र, एड़ी से चोटी तक देहवान छा जाता है, सब कहे जाते हैं शूद्र संप्रदाय। एक ही जन्म में उतरती कला हो जाती है, परम धाम से उतरी हुई आत्मा आत्मिक स्थिति में उतरती है और एक ही जन्म में एड़ी से चोटी तक का देह का सुख भोग लेती है। बात हल हो गई, राधा और कृष्ण के बेटे हैं, जैसे के वो बच्चे पैदा होते हैं, उसी से कैसे बच्चे पैदा हो, राधा और कृष्ण वो बड़े होने पर अठारह साल की दृष्टि का आकर्षण होगा, अठारह साल के बाद, अठारह साल इसलिए निश्चित किया कि अठारह साल तक संगम युग चलता रहता है, जो वाइब्रेशन होते हैं दुनिया में वो वाइब्रेशन के आधार पर शक्ति पैदा होती रहती है, तो उसका उनके ऊपर असर पड़ता है। उन बच्चों के ऊपर जो राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होंगे या राधा कृष्ण पैदा होंगे उनके ऊपर 4.5 लाख 5 लाख जो भी बाप माँ बाप के रूप में जन्म देने वाले हैं उनके वाइब्रेशन का असर रहता है, इसलिए आंख तक उनका देहभान नहीं आ पाता, और इतनी उन आत्माओं में पावर नहीं है कि वाइब्रेशन के आधार पर पैदाइश कर सके, वो पावर उन्होंने संगम में धारण नहीं किए। राधा कृष्ण वाली आत्मा माने ब्रह्मा बाबा और सरस्वती ने ओम राधे ने जो कार्यवाहक ब्रह्मा और सरस्वती थे ओरिजिनल नहीं थे,
उन्होंने संगम युग में इतनी ताकत धारण नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्हें परमात्मा के साकार स्वरूप का परिचय नहीं मिला। इसलिए वो वाइब्रेशन की पावर उनके पल्ले नहीं पड़ती। दृष्टि का देहभान रहता है और उसके पैदाइश होते हैं। जितने भी धर्म पिताए हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें वाइब्रेशन की वो पावर पकड़ नहीं है जो 4.5 लाख आत्माओं में है। वो पकड़ उनमें इसलिए है कि वो 4.5 लाख आत्माएं अपने तन की पावर को, अपने धन की पावर को, अपने मन की पावर को, समय और संकल्प और संबंधियों की पावर को, संपर्कियों की पावर को, सारी प्रकार की पावर को मर्ज कर देती है एक में। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। इसलिए उनको वाइब्रेशन की पावर मिल जाती है। सारी शक्ति के जो भी हुए असुर मात्र हैं, उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है वाइब्रेशन की पावर से। कोई भी बीज रूप आत्मा उसे कन्वर्ट होना तब कहेंगे जब वो जीते जी किसी धर्म में कन्वर्ट हो जाए। बीज रूप आत्माएं जीते जी किसी धर्म में कन्वर्ट नहीं होती। जन्म तो दूसरे धर्मों की जब स्थापना होती है राज्य की, तो बीज रूप बाप और उसके सहयोगी बच्चे उन्होंने धर्मों में जाके जन्म नहीं लेते। अंतिम जन्म में नीचे गिरने का मतलब उनके प्रभाव में आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी आत्माएं जिनमें विपरीत संस्कार हैं उनके प्रभाव में आ जाते हैं। आखिरी जन्मों की ही बात है। यहाँ शूटिंग पीरियड में आखिरी जन्म में नीचे गिरे होंगे, आखिरी जन्म के शूटिंग में तो वहां भी नीचे गिरेंगे। हृदय माने देने वाला। बीज प्रदर, बीज बोने वाला। मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। बीज बोने वाले को ही पिता कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। और सत्य में जो बच्चे रहते हैं ना, उनको माँ बाप जब शरीर जोड़ देते हैं, उनको पता होता है क्या हमारे माँ बाप शरीर जोड़ के चले गए? आत्मिक स्थिति जहाँ होती है वहाँ लगाव नहीं होता देह का, इतना लगाव नहीं होता जो उनको अटैचमेंट कहा जाए। कहता रहे वो शेष्टाचारी है, शेष्टाचरण है, आत्मिक स्थिति लगातार बनी हुई है। तो जहाँ आत्मिक स्थिति लगातार बनी हुई है उनको देह की इतनी गतिशील ही नहीं है कि आज चला गया। कम जन्म लेते हैं ना, जो द्वापर युग से द्वैतवादी युग में आ जाते हैं। सत्य को त्रेता में कोई स्मृति ऐसी नहीं रहती कि देह की स्मृति आती रहे। वो कम जन्म लेता है, कम ध्यान लेता है, आपको परिचय नहीं रहता ना। कौन है ना, कौन जो त्रेता में या तो द्वापर
बेटा बेटा और सतयुग में जो आत्माएं कम जन्म लेती हैं, वो कम जन्म लेने के बावजूद भी सतयुग त्रेता में उनके जो पावर है आत्मा की, वो भ्रष्ट इंद्रियों तक नहीं जाती है। इसलिए उनको स्मृति आने का सवाल ही नहीं। वो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं जिनसे वो आवर्तन करते हैं, इसीलिए तो श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं। नींद नहीं होती लेकिन आंखें बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में आंखें बंद हो जाती है। प्रैक्टिस पड़ी हुई है भक्ति मार्ग की। तो अभी शूटिंग पीरियड में भक्ति मार्ग प्रबल होता जाता है। जितना जितना प्रत्यक्ष होते जाएंगे उतना उतना दुनिया में विरोध पैदा होता जाएगा। जैसे राम वाली आत्मा रब जब प्रत्यक्ष होती है तो सारी दुनिया दुश्मन बनती है। जो दोस्त बनते हैं 500 कर 700 करोड़ की दुनिया दोस्त भी तो बनती है कभी, तो दुश्मन भी बनती है। हाँ, तो जो जो प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं वो बाप को पालो करते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक तरफ को अपेक्षा। हाँ, तो विरोधी विरोधी बने और तब उनके अवरोधी बने, हम उनके दोस्त भी बन करके रहे, तभी तो परीक्षा पूरी होगी। विरोधी विरोध की दृष्टि से देखें और हम उनको मित्रता की दृष्टि से देखें। वो विरोध करते जाएं और फिर भी हम उनका सहयोग करते जाएं तो क्यों हुए पाप? अगर सहयोग नहीं किया तो विफल। तो जब तक फेल होते रहेंगे तब तक पूरी प्रत्यक्षता नहीं होगी। कैसे सहयोग देना है? शिव बाबा सारी दुनिया उसको कहती है, भूमूत में है, पत्थर ठिक्कर में है, कीड़े मकोड़े में है, सारी दुनिया विरोध करती रही और बाप है आप प्यार का सागर है, सबको प्यार दे रहे। शंकर जी महाराज जानते नहीं थे क्या? ये भस्मासुर हमारे पीछे पड़ जा पड़ा हुआ है, कभी सारी दुनिया में भागे भागे फेरे फिर भी उसको क्या दिया? उनको वरदान दे दिया। और बात पूरी हुई? हाँ जी, लौकिक दुनिया में माँ अपने बच्चे को याद करती है तो कौन कौन से रूपों में याद करती है? खेलता है उस खेलने के रूप को भी याद करती, बात करता है वो बात करना भी उसे याद आता है ना। तो ऐसे ही बाबा की याद करते भक्ति मार्ग में चैत्र गाए जाते हैं, कहाँ के गाए जाते हैं? संगम की याद जा रहे, लेकिन वहाँ परमात्मा के रूप को नहीं जानते और यहाँ जानते हैं। उसकी याद करेंगे उसकी बातें भी याद आएंगी, उसके कर्म भी याद आएंगे, यहाँ तक कि उसके वाइब्रेशन भी हमारे पास पहुँच जाएंगे। जब आप भी बिचारी याद बनेगी तो और
आत्मा है कौन से धर्म की आत्मा है जो सारी दुनिया को भस्म करती है? कौन सा धर्म है जो सारी दुनिया को भस्म करने का निमित्त बनता है? नास्तिक है। नास्तिक क्रिश्चियन धर्म है। क्रिश्चियन धर्म एटम बम बनाता है तो सारी दुनिया भस्म हो जाती है, तो क्रिश्चियन धर्म का कोई होगा उसको भस्म दूर बन जाता। हाँ जी हाँ जी, रशियंस ने ही तो एटम बम बनाए हैं। इजाद किसने किया? रशियंस ने इजाद किया और अमेरिका ने सबसे जास्ती बना ली। जो 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 बच्चे हैं वो ऊंचा पद नहीं पा सकते। जो हमारे बच्चे हैं, जो आज हमारी प्रजा है, वो प्रजा कल हमारा राजा नहीं बन सकती है? बन सकती है ना। बाबर कभी प्रजा था तो क्या बन गया? सम्राट बन गया। ऐसा नहीं हो सकता क्या? और राम कृष्ण की आत्माओं के बीच में तो ऐसा ही होता रहता, कभी मैं तेरा बच्चा कभी तू मेरा बच्चा। और ज्ञान में देखे तो आर्य समाज जी ने आपको दिख किया है ज्ञान में देखने से, सूर्य किरण में आर्य समाज जी ने सारे तरफ बाबा को आपको दिया, क्योंकि वो सबसे जाति धर्म भ्रष्ट होते हैं। हर धर्म में से भ्रष्ट होते चले जाते। देवी देवता सनातन धर्म द्वापर युग में जब अपोजिशन में आता है इस्लामियों के, तो इस्लाम धर्म में चला जाता। जब बौद्ध धर्म आता है वो क्रिश्चियन धर्म आता है तो क्रिश्चियन धर्म में चले जाते। मुस्लिम धर्म आता है तो मुस्लिम धर्म में चले जाते। वो उन्हें किसी धर्म के ऊपर रास्ता ठहरती नहीं। वो हर विदेशी धर्म में जाता है, स्वदेशी धर्म में नहीं जाता। उनके अंदर विदेशियों के संस्कार आज की गवर्नमेंट में ज्यादा हैं या स्वदेशियों के संस्कार ज्यादा हैं? सारे संस्कार विदेशियों के समाये हुए हैं। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये प्रजातंत्र राज्य आता ही कहां से? और ज्ञान लेगी तो चैतन्य बनेगी। ज्ञान 76 में ले लिया लेकिन गीता के भगवान को पहचान लिया कि गीता का भगवान बुद्धि में अभी भी कृष्ण ही बैठा हुआ है। कृष्ण की आत्मा ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा की बुद्धि में ये बात बैठ गई कि गीता का भगवान कौन है? जब ब्रह्मा की बुद्धि में नहीं बैठी तो ब्रह्मा जिसका आधार लेता है जगदम्बा का, तो उसको भी मिल जाएगी। बच्चा ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि होता है कि माता ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि होती है? ज्यादा पावर किसमें होती है बुद्धि की? बच्चे में ज्यादा पावर होती है। तो कृष्ण बच्चा है, बच्चे को कोई नहीं। बाप आया हुआ है ना समझाने, तुम्हें क्यों चिंता है? बाप तो नहीं सकता है समझाते समझाते। तो बाबा ब्रह्मा की आत्मा ने सारी शक्ति एडवांस में लगा दी है। तो थोड़ा बुद्धि में बैठा तो लगा दी, फिर उसके बाद माया ने अपोजिशन किया, फिर बुद्धि व्यस्त हो गई। वो भी शास्त्र से जुड़ पता से पता नहीं होगी वो आत्मा। ब्रह्मा की रात क्या ब्रह्मा का दिन बन गई पूरा?
हाँ युग परिवर्तन हुआ तो तत्व प्रधानता थोड़ी आई। उनको तो स्थूल शरीर नहीं रहता है ना, बिल्कुल शरीर नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? जो देव आत्माएं देवता बनने वाली आत्माएं हैं वो सूक्ष्म शरीर आदि बनते हैं, या जो असुर आसुरी धर्म वाले हैं वो ज्यादा सूक्ष्म शरीरधारियों को महत्व देते हैं? भारत में देवताएं पूजे जाते हैं और विदेशों में फरिश्ताएं पूजे जाते हैं, वो देवताओं को नहीं पहचान पाते। वो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले फरिश्तों को पहचानते हैं, बस वहां तक उनकी पहुंच है। आज भी नंबरवार बनेंगे बाप समान, और एक तो आज भी नंबरवार बाप समान बनेंगे। क्या जो प्रिंस बनने वाली आत्माएं हैं वो नंबर वार प्रिंस बनेंगी, बेगर टू प्रिंस। वो सिर्फ एक का गायन है या जो भी बच्चे हैं नंबर वार सभी का गायन है? एक बच्चे का गायन है, एक ही बेगर टू प्रिंस बनेगा। उस परीक्षा से सबको पसार होना पड़े, चाहे आठ हो और चाहे 108 हो, सब तो कहा जाएगा सारी दुनिया एक तरफ और मुठ भर आत्माएं दूसरी तरफ। अष्टदेव जो है एक अष्टदेवों में आठों का नाम पता है, फिर कैसे कह दिया प्रत्यक्ष कर दिया? अभी तो वाणी में प्रत्यक्ष कर दिया, नाम रूप देश काल पता चल गया। जैसे बाप का निश्चय पत्र में लिखते हैं नाम रूप देश काल, वैसे अष्टदेवों का भी लिखना शुरू कर दिया गया? नहीं वही तो मैं पूछ रहा है, तो उसी बात का तो जवाब दे रहे। पूरा प्रत्यक्ष होना माना नाम रूप देश काल सब पूरा प्रत्यक्ष हो जाए। दक्षिण भारत में ज्यादा मान्यता है, क्योंकि बाप की भी मान्यता ज्यादा कहाँ होती है? पहले विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, वो जरूरी भी है। अगर जो स्वदेशी है स्वदेशी भाषा भाषी वो पहले पहचान ले तो विदेशियों का तो कोई नंबर ही नहीं लगेगा, इसलिए उनको लंबा टाइम मिलता है पहचानने के लिए, क्योंकि भाषा नहीं जानते, लंबे समय तक पढ़ाई पढ़े, खूब गहराई तक जाए, ताकि ये कहने को ना रहे चलो भगवान भी उन्हीं को मिलता है जो उनकी भाषा को जानते हैं। और नए संगठन में कितना आत्मा रहते हैं? नए संगठन में कितने आत्मा रहते हैं माना? राज परिवार की बात पूछ रहे हैं या प्रजावर की बात पूछ रहे हैं? राज परिवार में तो शुरू शुरुआत में जो संगठन बनेगा उसमें राज परिवार में दो ही होंगे या ज्यादा होंगे? अरे दो ही होंगे या ज्यादा होंगे? ज्यादा कैसे होंगे? जब फाउंडेशन पड़ेगा हाँ परिवार है तो पहले तो दो ही होंगे ना मुख्य, बाकी तो सब है काम चलाने वाले होंगे ना राज्याधिकारी। राज्याधिकारी भी प्रजावर्ग में हुए क्या हुए है?
शत्रुघ्न में एक ही महाराजा महारानी होते, बाकी सब क्या होती है? बाकी सब प्रजा होती है। राज्य अधिकारी उनको भी नौकर चाकर करेंगे, क्या कहेंगे है? लेकिन नौकर चाकर की भाषणा नहीं होती है उनके अंदर, ये नहीं आता है कि हम इनके नौकर चाकर हैं। क्या ये भावना रहती है कि हमारे माता पिता हैं? जैसे माता पिता जो होते हैं सत्युग में, राजा रानी जो महाराजा महारानी होते हैं, वो प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। उनके अंदर भेदभाव नहीं रहता है कि ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारी प्रजा है। प्रजा में भी ये देहभाव नहीं, भान नहीं रहता कि हम इनके दास दासी है। वो न्यू वर्ल्ड वो बताई है दुनिया जहाँ से नई दुनिया का अधिष्ठाता प्रत्यक्ष हो जाए। ये अभी अंडरग्राउंड दुनिया की बात कर रहे हैं। अंडरग्राउंड माना तुम हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, अननोन बट वेरी वेल नोन बैरियर। क्या ये जो अभी फाउंडेशन डाला जा रहा है ना, उसकी बात हो रही है। जब कोई मकान का बनाने की शुरुआत करते हैं तो कोई बड़े आदमी को बुला करके पत्थर डलवाते हैं पहला। क्या पत्थर डलवाते हैं ना? तो सारी दुनिया पत्थर बुद्धि है, उनमें से कोई एक अच्छा पत्थर उठा करके जमीन खोद करके फाउंडेशन में डाला जाता है। है उसका अरे शुरुआत पहले किससे होगी? रुद्रमाला के मर के जो सजा नहीं खाते हैं वो हैं तो आंख, लेकिन आंख नंबरवार है या एक जैसे? जैसे गुणों की धारणा करने में नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? नंबरवार होंगे। तो नंबरवार होंगे तो अव्वल नंबर पहले चुना जाएगा ना। हाँ जी और कहा जाता है कि ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, भेड़ बकरियों के देश में है। हाँ हाँ, महा का मॉडल दिखाया गया है। हाँ जी, वो डुप्लीकेट है, नई दुनिया है क्या? वो डुप्लीकेट नई दुनिया का अधिष्ठाता कौन है? मुखिया कौन है? ब्रह्मा। तो उसके जो फॉलोअर्स जो बनाएंगे, जो भी संगठन जो भी दुनिया बनाएंगे, वो डुप्लीकेट दुनिया बनाएंगे नई दुनिया या ओरिजिनल बनाएंगे? ईंटों का सुखधाम और ईंटों का शांति धाम बना देंगे। किसी को जिससे बैठाना होता है तो कहते चलो मधुर, चलो माउंट आबू, देखो स्वर्ग लगा पड़ा है कि नहीं, स्वर्ग की स्थापना हो रही है कि नहीं। भारतवासियों में भी जिनकी बुद्धि में बैठता है कि इसी दुनिया में स्वर्ग है, इसी दुनिया में नरक है, वो भी भागते हैं विदेशों की तरफ, पढ़ लिख करके अमेरिका में नौकरी करेंगे। विदेश उनको स्वर्ग दिखाई पड़ता है और भारत उनको नरक दिखाई पड़ता है। बाबा कह रहे हाँ, जिसको ये संकल्प आता हो कि बैंकें भी फेल होने वाली है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी फेल होने वाली है, बाबा ने मुरली में बोल दिया है। क्या बोल दिया? कि ना इंश्योरेंस लेने वाले रहेंगे
ये कंपनियां तो पहले ही खलास हो जाएंगी, तो आखिर डालें कहाँ? घर में रखे तो चोर लूट ले जाएंगे, जो बाबा ने चार अंजाम बताए हैं। या तो इनकम टैक्स की पकड़ में आ जाएगा तो वो पकड़ लेगा, उठा ले जाएगा। या तो जमीन लेगी तो कहाँ का हमारा कहाँ पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, अगर जमीन में गाड़ दे तो कुछ पता नहीं। और कहीं आग लग गई तो सब लोट की गड्डियां जल जाएंगी, तो करें क्या? ये दुनिया पूरी स्वाहा होने तक हमारी प्रॉपर्टी बची रहे। चलो ईश्वरीय सेवा में नहीं खर्च करने की दम है, पूरा निश्चय नहीं हो रहा है, तो जब तक पूरा निश्चय हो तब तक कम से कम सुरक्षित तो रहे, उसके लिए बताया है। वो बात की सेकेंडरी बोली। सेकेंडरी क्यों? फर्स्ट क्लास बात बताई कि आगे चल के सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। किसके लिए? बच्चों के लिए। 4.5 लाख आबादी आखिर कहाँ रहेगी? उसके लिए स्थान नहीं चाहिए है? और फिर उनके लिए दाना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जो स्थान बिल्कुल सेफ है तो पैसा डाल देने में क्या हो जाए? है? आप खरीदे का ही लिए? आप कोई मकान खरीदेंगे, दुकान खरीदेंगे, उसको सुरक्षित कौन करेगा? खरीदेंगे आप, सुरक्षित कौन करेगा? और दूर है। जब कराची में मारामारी हुई थी तो सबके घर नजदीक नजदीक थे। हैदराबाद में भी मारामारी हो गई तो जब घर ही नहीं रहे तो नजदीक और दूर क्या रहा? अरे घर में लगाव है तो दूर और नजदीक है, और घर में और घर के संबंधियों में अगर लगाव नहीं है तो दूर क्या और नजदीक क्या? क्या होना वो है? क्या होना वो टाइम वो हाँ, जो होगा तो देखा जाएगा। अच्छा रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना वो जो तथाकथित ब्राह्मण है वो कोई कोई ऐसे बैठे हुए हैं कि अपने हथियार तैयार कर रहे हैं, आने दो देखे कैसे आते हैं। इसलिए बाबा ने बोला अब देखेंगे राग कौन बनेंगे और कितने बनेंगे, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलेंगे वो भी देखेंगे। और कहते हैं लक्ष्मी नारायण, लेकिन नारायण को पहले चित्रों में क्यों दिखाया गया? कहते हैं नारायण को पहले, उन्होंने किधर से नारायण पहले कर लिया? इधर से गिनो ना। कौन बोला? हाँ मुसलमानों से करे गिनो तो पहले नंबर लक्ष्मी है। मुसलमान लोग उल्टी किताब पढ़ते हैं, और हिंदुओं की तरह गिनो तो पहला नंबर नारायण। अगर पहला नंबर करना है तो ये तुम्हारे हाथ में है ना, पहला नंबर लक्ष्मी को करना शुरू कर दो। अगर पहला नंबर लक्ष्मी को करेंगे तो दूसरा नंबर नारायण हो जाएगा।
अगर पहला नंबर नारायण को करेंगे तो लेफ्ट हैंड से गिनना शुरू किया ना, है? अरे पहला नंबर नारायण आपने किसके आधार को बताया? आप चित्र में दिखाते हैं तो आपने किस रूप में देखा? लेफ्ट की तरफ से गिनना शुरू किया या राइट की तरफ से गिनना शुरू किया? अभी तक लेफ्ट देगा लेकिन ये राइट है, अरे इधर से गिनेंगे तो ये कौन सा लेफ्ट? ये लेफ्ट हैंड है ना, तो इधर से गिनेंगे तो पहला नंबर नारायण आएगा। अरे हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो कहाँ से पढ़ते हैं? शुरुआत कहाँ से करते हैं? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो भगवान जी जब पढ़ाई पढ़ाने आता है तो पहले लेफ्ट हैंड में पढ़ते हैं। और मुसलमान जो है वो स्त्री जाति को प्रियोरिटी तो देते हैं लेकिन फिर उसकी बेइज्जती भी कर देते हैं। जगदम्बा को मानते तो है क्या, ब्रह्मा को मानते तो है पर उसका गला भी घोल देते हैं। मंदिर में सिर पर चोट कर अंदर चलेंगे बाबा, प्रेम धर्म में अंदर अंदर तो हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं मंदिर तो भगवान का होता है ना, मंदिर किसका होता है? भगवान का। और भगवान के मंदिर में जाकर के क्या करना होता है? भगवान को याद करना होता है ना, तो व्यभिचारी याद करना है या अव्यभिचारी याद करना है? हैं? अव्यभिचारी याद करना है तो जूती बाहर ही छोड़ देना चाहिए या अंदर साथ में ले जाना चाहिए? बाहर छोड़ देना चाहिए। भारत में कहते हैं कि एक स्त्री मरी, मुरली बोला एक स्त्री मरी तो कहेंगे एक जूती गई अभी दूसरी जूती लेके क्या हो जाए हुआ, दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसे ही तीन चार शादियां तक भी कर लेते हैं कोई कोई। ये ब्रह्मा भी पुरानी ज्योति है ना, बोला कि नहीं है? तो मंदिर में ले जाना चाहिए कि नहीं है? ज्योति को मंदिर में ले जाना चाहिए या बाहर छोड़ देना चाहिए? बाहर छोड़ देना चाहिए। एक महीने में पहले संगठन में संडे आ रहे और क्लास के लिए वो तो वैकुंठ में आते हैं। जो महीने में एक बार क्लास में आते हैं वो स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे, ये उसके तर्क मास चांसेस देखे जाते हैं, परिस्थितियाँ देखी जाती है। माताएं बहुत बांधेली है, कोई बहुत दूर रहता है, महीने में एक बार आ जाता है तो ही बहुत क्या, ये कोई ऐसा नियम नहीं है। लेकिन हाँ पक्का नियम बांध करके रहे, हमें जाना जरूर है, जब मौका मिले जाना है। और Thank you.
बाबा ने एक मिसाल दिया, जो धंधा धोरी में रहने वाले होते हैं, जैसे कपड़े का व्यापारी है, सुबह 8 बजे ही जाके दुकान खोल लेगा, उसी दुकान में बहुत सेल होता है, और रात को 8 बजे के बजाय आधे दरवाजे बंद कर दिए, एक दरवाजा खुला रखा, अंदर अंदर कपड़े फाड़ता रहता है, सेल करता रहता है, तो सुबह से लेकर के शाम तक कपड़े फाड़ने का धंधा कर रहा है, तो रात में जब उसको नींद आती है तो अपनी धोती फाड़ देता है। तो जब ये उतना हो सकता है, तो जो सुबह से लेकर के शाम तक इसलिए सेवा में ही लगा रहेगा, उसको फुर्सत ही नहीं मिलेगी इसलिए सेवा के सिवाय, तो रात में सोएगा तो उसकी नींद कैसी होगी? है योगी तो सहयोगी, जो योगी होगा वो क्या होगा? सहयोगी होगा। योगी नहीं होगा तो सहयोगी भी नहीं होगा। और किसका सहयोगी बनना है? बिंदी का नहीं, बिंदी का। बाबा क्या वो पर्सनल बात करते हैं बाबा के कान में बात करना, वो गलती होते क्या? जो पर्सनल बात करते हैं बाबा के कान में वो खराब बात होती है क्या? और कब्र में बैठ के ना साकार तो उस समय बात करते हैं ना, वो गलती हो रही क्या? नहीं बिल्कुल गलती नहीं, बाबा के साथ तो अकेले में खूब बात करना चाहिए, अमृत वेले अकेले एक बाबा और दूसरा कोई। अभी नहीं बाबा, अभी कमरे में बैठ के ना बाबा। हाँ प्रैक्टिकल में भी सभी लोग उधर बैठते हैं ना, उस समय बात करना होता है नहीं होता है, इसलिए बाबा ने तो बोला बाप दादा चाहे तो बच्चों से पब्लिक के बीच में पर्सनल बात कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही ज्ञान की स्थिति बनाइए, जो सबके बीच में बैठे बैठे बाबा से पर्सनल बात कर लीजिए। गलती नहीं बाबा, गलती नहीं बाबा। क्यों हुई गलती? माता जी पर्सनल बात करना वाली, कागज में लिखो, लिखती है दे दो बाबा। अंत में 7.5 साल जो शरीर है वो बर्फ में दबी रहेगी है, और बाबा ने कैसे बताया है कि हार्मोन चेंज होगा वो शरीर में, साइंस के अनुसार तो जो कम टेम्परेचर में हार्मोन का बदलाव नहीं होता, कैसा होता है? जब बाहर निकलेगी तभी होना शुरू हो जाएगा। अरे जन्म में जो पुरुष तन है जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करता है, और नर को नारायण बनाता है, तो वो तो नारायण बनने वाली बात हो गई, उसको तो बुद्धियों से ही फ्रीज हो जाना है। लेकिन जो आत्माएं फ्रीज होने वाली हैं उनके अंदर संस्कार कौन से हैं? रुद्रमाला के अंदर पहले पहले संस्कार कौन से? सत्य के संस्कार है। तो वो जब शरीर छोड़ करके बुद्धियोग से परमधाम में पहुंचे हैं, परमधामी स्टेज में, तो लौटते समय उनका संस्कार कौन सा पक्का होगा? स्त्री जाति का हो जाएगा या पुष्पनी का संस्कार होगा? तो जैसे ही उस शरीर में प्रवेश करेंगे, बर्फ से बाहर निकलेंगे, वो पुरुषत्व के संस्कार परिवर्तित हो जाएंगे, शरीर में परिवर्तन आते जाएंगे। पहले जो प्रश्न पूछा था वो भी इसी बात से कनेक्टेड, पूरा पूछ नहीं पाती हूँ, पूरी बात पूछ लो तो क्या बात है, एक तुम बात में कहो हमने ऐसा थोड़े पूछा। हाँ नारी नारी से लक्ष्मी बनना है और नर से नारायण बनना है, ठीक बात है? संस्कार कैसे हो जाए? बाबा बोल रहे हैं नारी से लक्ष्मी बनना है,
कितने लक्ष लिया नारी ने? रुद्रमाला के बल के हैं वो पुरुष लोग, कुछ लोग रुद्रमाला के मड़कों में, रुद्रमाला के मड़कों में कुछ स्त्री स्वभाव वाले भी है? कोई स्त्री स्वभाव वाले नहीं है बाबा। रुद्रमाला में तीन ग्रुप है बोला है। रुद्रमाला में तीन ग्रुप नहीं है, एडवांस पार्टी में तीन ग्रुप है। नहीं, एडवांस पार्टी के तीन ग्रुप हैं। एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो प्रवेश करके पाठ बजाती है, वो तो जन्म लेगी जाके, क्या राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेगी, उसको रुद्रमाला नहीं कहा जा सकता। और एक वो है, दो वो हैं जिन जो प्रिंस प्रिंस के रूप में जन्म नहीं लेंगे, इसी शक्ति पर पाठ बजाएंगे। पहले पहले वो प्लानिंग बुद्धि है जिनमें प्रवेश होता है। और तीसरे वो है जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सिर्फ प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग तो जैसे करते ही नहीं, क्या करते हैं? हाँ, वो विष्णु की भुजाएं बनते हैं। क्या विष्णु के सर नहीं दिखाए जाते? अनेक रावण को अनेक सर दिखाए जाते हैं और विष्णु के भुजाएं अनेक दिखाई जाए, माना वो सहयोगी बनेंगे, अपनी अकल अकल नहीं चलाएंगे। हैं क्या विष्णु के? हाँ, वो चित्र जिन्होंने बनाए हैं वो भक्ति मार्ग वाले चित्र हैं या ज्ञान मार्ग के चित्र हैं? ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए। हाँ, ब्रह्मा के अनेक मुख दिखाए जाते हैं। पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। अगर विष्णु को भी अनेक मुख हो तो उनको भी चतुरानन कहना चाहिए। बोलो, आजकल वार्तालाप की कैसे आधा घंटे की रह जाती है, कम होती जा रही है। बाप? अच्छा, बाप अभिभूत नहीं है? क्यों? तो 2000 से ही बोला हुआ है, 2000 के आसपास से ही बोलना शुरू कर दिया था। बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। ऐसे यहाँ भी जो बच्चे काम क्रोध नहीं छोड़ पाएंगे उनके सामने नहीं आएंगे, गुप्त हो जाएंगे। और जो रूहानियत की स्टेज वाले होंगे, रूहानी बच्चों से बात करेंगे, मिलेंगे। अरे उनका तो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ में साथ साथ ले जाएंगे। ये कैसे कह दिया गुप्त हो जाएंगे सबसे तो है ना, इसका कुछ क्लास में भी वैसे तो एक पूरा बॉडी तक तो बैठने का उसका कुछ है। जितना फायदा करते हैं उतना फायदा मिल जाता है। कम से कम दूसरों को दिखाने के लिए बैठे तो रहते हैं। है? क्या करते उसका खाते हैं, लेकिन बिल्कुल आकर के नहीं बैठे और सारे ही अपने अपने बिस्तर पर पड़े रहे तो फिर संगठन की पावर कहाँ बनती है? कम से कम देखते तो हैं कि यहाँ दूसरे लोग बैठे हुए हैं। है? मुसलमानों को संगठन की पावर कहाँ से मिलती है? जब काबा में पहुँचते हैं तो वहाँ लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है बुद्धि के अंदर।
अरे हमारा जितना दुनिया में संगठन है उतना दुनिया में संगठन किसी का नहीं, तो संगठन की पावर मिलती कि नहीं? शास्त्रों में भी लिखा है संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की पावर ज्यादा काम करती है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतनी शक्ति मिलती है। उत्तर भारत में पूरी की जगन्नाथ की जो मंदिर है वो शिव बाबा की यादगार है, और इसी तरह कर्नाटक में जो धर्मस्थल मंजुनाथ है, मंजुनाथ का जो बड़ा मंदिर बना के वो बड़ा पूजा करते हैं, वो भी बाप का यादगार है। वो कहना क्या चाहते हो बताओ? कर्नाटक में धर्म तो बहुत फेमस है, कर्नाटक में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर भारत में भी है। हाँ जी ये तमिलनाडु क्या माने उन्होंने शुरू शुरुआत में प्रत्यक्ष होने से पहले ऐसा पाठ बजाया होगा ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में? तुम हमसे बात नहीं करते तो हम तुमसे बात नहीं करते, तमिलनाडु तो हम मिलेंगे नहीं। नाटकबाजी करते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं नाटकबाजी में। तमिलनाडु वाले जो है वो मिलते नहीं है एक दूसरे से, बात ही नहीं करते। जब संपन्न हो जाते हैं, जब उन्हें ठोकर लगती है तो सुधर जाते हैं। बिना ठोकर खाए कोई ठाकुर नहीं बनता। कनकपुर मना बेहद में क्या है? कनकपुर मना क्या 84 जन्म कनकपुर में ही लिए क्या? कनक माने सोना, कनकपुर माना सोने का पुर, सच्ची सच्ची सोने जैसी आत्माओं की नगरी। क्या बोला? अभ्यक्तवाणी में बोला। अच्छा, टीचर का काम मुख्य होता है परीक्षा लेना। क्या पढ़ाई पढ़ाना तो होता ही है, लेकिन लास्ट में क्या काम होता है? टीचर का काम होता है परीक्षा लेना, इसलिए बोला। हाँ जी नहीं, यहाँ भी मदद नहीं करते जब परीक्षा नहीं थी। वो टीचर ही क्या जो परीक्षा के टाइम पर मदद कर दे, वो तो सुप्रीम टीचर हो ही नहीं सकता, वो तो पार्शलिटी वाला हो गया। क्यों मदद करेंगे? टीचर का काम नहीं है एग्जाम के टाइम पर बच्चों की मदद करना। क्या पढ़ते समय तो मदद करते? फाइनल हो चाहे त्रैमासिक हो, परीक्षा कोई भी हो, जो अच्छा टीचर होगा वो कभी भी मदद नहीं करेगा।
जो मदद करते हैं वो जैसे पार्सलिटी वाले टीचर है। नहीं हो गई अभी परीक्षा है? परीक्षा तो सबकी है, सब अंदर से समझते जा रहे हैं कि हम फेल हो रहे हैं और ये पास हो रहे हैं। परीक्षा होती है, पेपर सामने आता है, तब भी समझ में आता है कि नहीं ये पेपर हमको फेल करने वाला है कि पास करने वाला है? कीमत पर चलेंगे तो पास हो जाएंगे, सड़ी मत पर चलेंगे तो फेल हो जाएंगे।